मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा यह एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। गोमती नदी के सफाई की महाअभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ लखनऊ से की, और आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इसी जो ये किनारा है गोमती का, यहाँ पर सफाई अभियान में भाग लिया। उन्होंने यहाँ पर झाड़ू भी लगाई और जितना भी कूड़ा है उसको एक जगह इकट्ठा किया। आप देख सकते हैं कि और लोग भी यहाँ पर सफाई अभियान में भाग ले रहे हैं। कई NGO हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जल निगम के भी कर्मचारी यहाँ पर हैं जो यहाँ पर सफाई अभियान में भाग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितना भी कूड़ा है उसे यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और उसको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो गोमती नदी के अंदर भी जो कूड़ा है, जो भी वेस्ट पड़ा हुआ है उसको भी निकाला जा रहा है। तो यहीं पे नहीं बल्कि लखनऊ शहर में गोमती नदी के किनारे जितनी भी घाटें हैं वहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम और जल निगम के कर्मचारी वहाँ पर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जब तक गोमती नदी पूरी तरह से साफ़ नहीं हो जाती यह अभियान जारी रहेगा। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जो पूरे महाअभियान है इसमें भागीदारी दिखाएं और अधिक से अधिक पेड़ और पौधे गोमती नदी के किनारे लगा सके ताकि जो वातावरण है वह शुद्ध हो और गोमती नदी भी पूरी तरह से साफ हो सके। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये जागरूकता अभियान है गोमती नदी की सफाई के लिए और इसकी शुरुआत आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है।